अमन मुआहदे का मामला है और अफगान हुकूमत ने बैनुल अफगान मज़ाकरात से कबल तालिबान से जज्बा खैर से गाली दिखाने का मुतालबा कर दिया है। कायम मकाम अफगान वजीर खारजा कहते हैं कि मुज़ाकरात करने की पेशकश 12 ममालिक ने की है, जबकि अमरीका भी इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के लिए राहें हमवार कर रहा है। कायम मकाम अफगान वजीर खारजा ने कहा है कि चीन, रूस, तुर्की, ईरान, कतर, जापान और इंडोनेशिया समेत 12 ममालिक इंट्रा अफगान मुज़ाकरात करवाने की पेशकश कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अफगान हुकूमत अब तक 4000 तालिबान कैदियों को रिहा कर चुकी है। अफगान हुकूमत मजीद 600 तालिबान कैदियों को जल्द रिहा कर देगी। बुध को हेलमंद में तालिबान ने 30 अफगान कैदियों को रिहा किया। उन्होंने बताया है कि अब तक तालिबान 845 अफगान कैदियों को रिहा कर चुकी है। दूसरी जानब अमरीका भी इंट्रा अफगानिस्तान मुज़ाकरात के लिए राहें हमवार कर रहा है। अफगान मीडिया ने भी तस्दीक की है कि तालिबान के साथ मुआहदे के तहत अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस के 5 अड्डे खत्म कर दिए गए हैं। अमरीका जिन फौजी अड्डों को बंद किया गया है वो सूबा हेलमंद, अरजगान, पख्तिया और लगमान में कायम थे। इससे कबल तर्जुमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन के मुताबिक अफगान हुकूमत को जो फहरिस्त दी है इन तमाम कैदियों को दोहा अमन मुआहदे के मुताबिक अफगान हुकूमत को रिहा करना होगा।